बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में रचना अपने पति राकेश और बेटी रिया के साथ रहा करती थी। रचना का पति राकेश एक बड़ी फैक्ट्री में काम किया करता था। राकेश की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी, जैसे तैसे वो लोग अपने घर का गुजारा चला रहे थे। एक दिन जब राकेश फैक्ट्री से घर आता है तो वो बहुत ही परेशान होता है। रचना उसे परेशान देख उसे उसकी परेशानी का कारण पूछती है। क्या हुआ जी, आज आप बहुत ही परेशान लग रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन... लेकिन क्या, बताइए ना। बात ही कुछ ऐसी है, मालिक लोग फैक्ट्रियों को बंद करने की बात कर रहे थे। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? रचना, वो बड़े लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी फैक्ट्री तो उन्हीं की है ना, वो मालिक हैं, मालिक लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का क्या होगा जी? कुछ नहीं होगा, किसी नई जगह काम ढूंढना होगा। कुछ दिन बाद राकेश जिस फैक्ट्री में काम करता था वो फैक्ट्री बंद हो जाती है। राकेश के पास कोई काम नहीं होता, घर की हालत भी दिन पर दिन खराब होते जा रहे थे, जिस कारण राकेश रोज सुबह काम की तलाश में निकल जाता और शाम होने पर ही घर आता। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं लेकिन राकेश को कहीं भी काम नहीं मिलता है। रचना, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है। अब तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप चिंता मत कीजिए जी, आपको कहीं ना कहीं तो काम जरूर ही मिल जाएगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। राकेश फिर से काम की तलाश में जाता है लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। इसी चिंता में राकेश की तबीयत खराब रहने लगती है और एक दिन हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाती है। रचना पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब रचना पर घर की और रिया की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। कुछ दिन बाद होली का त्योहार आने वाला था लेकिन रचना के पास ना कुछ काम था और ना ही खाने के लिए कुछ था। रचना और रिया का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा था। माँ, कुछ दिन बाद होली का त्योहार आने वाला है, मुझे इस बार होली के त्योहार में आपसे कुछ चाहिए। हाँ बेटा, बोल तुझे क्या चाहिए। माँ, मुझे इस बार होली पर बहुत सारे रंग और एक लंबी सी पिचकारी चाहिए। हाँ बेटा ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ लाकर दे दूंगी। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। रचना ने रिया को बोल तो दिया था कि वो होली पर उसे बहुत सारे रंग और पिचकारी दिलाएगी, लेकिन अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब कैसे करेगी। उसके पास कोई काम तो था नहीं, ऊपर से रचना के घर की हालत और भी खराब होती जाती है। धीरे धीरे करके उसकी जोड़ी हुई जमा पूंजी भी खत्म होने लगती है। ये सोचकर वो पड़ोस की मालती काकी के पास जाती है। मालती काकी, कहाँ हो आप? आओ रचना, अंदर आ जाओ। कैसी हो बेटी? क्या बताऊं काकी, कुछ भी ठीक नहीं है। अब कर भी क्या सकते हैं बेटी, जैसी भगवान की मर्जी, और होनी को जो मंजूर था वही हुआ। काकी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो भूखी रह सकती हूँ लेकिन रिया को कैसे रखूँ? मुझ बूढ़ी अकेली औरत के पास पैसे कहाँ से आएंगे बेटी, मैं तो खुद दूसरों की मोहताज हूँ और मांग कर खाती हूँ। तो मेरी एक बात मान, तू कुछ काम क्यों नहीं करती जिससे तू अपना और रिया का खर्चा चला सके? काकी, मुझे तो कुछ काम आता ही नहीं, और कौन देगा मुझे काम, और फिर रिया को छोड़कर कैसे जाऊं, वो भी बहुत छोटी है। तू रिया की चिंता मत कर, उसे मेरे पास छोड़ जा, मैं उसका ध्यान रख लूंगी। बस तू अपने लिए कोई काम ढूंढ ले जिससे तू अपना और रिया दोनों का गुजारा कर सके। मुझ बूढ़ी के पास तो तुझे सलाह देने के अलावा और कुछ नहीं है बेटी, भगवान तेरी सहायता करे। ठीक है काकी, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने कहा है। अगले दिन रचना रिया को मालती काकी के पास छोड़कर काम की तलाश में निकल जाती है लेकिन उसे उस दिन कुछ काम नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं कई दिनों से काम की तलाश में जा रही हूं, लेकिन मुझे कुछ काम ही नहीं मिल रहा। अब मैं करूं तो क्या करूं? पर हाँ, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे अपनी बेटी के लिए कोशिश करते रहना होगा।
फिर रचना हार नहीं मानती है और फिर से काम की तलाश में निकल पड़ती है। अच्छी बात तो ये होती है कि रचना को एक दुकान में काम मिल जाता है। रचना को उस काम के बदले बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन कुछ ना मिलने से कुछ मिलना ही अच्छा है, ये सोचकर रचना काम करने लगती है। उस दिन रचना को जो पैसे मिलते हैं, उससे वो घर का राशन लेकर आती है और रिया की पसंदीदा खीर उसके लिए बनाती है। रिया, मेरी बच्ची क्या कर रही है? देख, मैंने तेरे लिए खीर बनाई है। खीर का नाम सुनकर रिया बहुत खुश हो जाती है। फिर रिया मजे से खीर खाने लग जाती है। रिया को खुश देखकर रचना भी बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन रचना अपने काम के लिए निकल जाती है। रचना अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करती थी। रचना सुबह से लेकर शाम तक दुकान में काम करती रहती थी। जब रचना काम पर जाती थी, तब उसकी बेटी का ध्यान मालती काकी रखती थी। रचना शाम को आकर मालती काकी के लिए भी खाना बनाती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब होली भी आने वाली थी। रचना जो भी कमाती थी, वो खाने में ही खर्च हो जाता था, कुछ भी नहीं बचता था। माँ, आपको याद है ना, होली आने वाली है, आपको मेरे लिए ढेर सारे रंग और पिचकारी लेकर आनी है। हाँ बेटा, मैं जरूर लेकर आऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद रचना मन ही मन खुद से कहती है, मैंने रिया को बोल तो दिया, लेकिन मैं उसके लिए रंग और पिचकारी कैसे लेकर आऊंगी? इतनी कम तनख्वाह में तो घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल से चल पाता है, अब मैं क्या करूं? रचना अपनी बेटी को उदास बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि रिया को उसके पिता की कमी महसूस हो, इसलिए वो ठान लेती है कि कुछ भी करके ज्यादा पैसे कमाने होंगे, ताकि वो अपनी बेटी की इच्छा पूरी कर सके। ये सोचकर वो दुकान पर जाकर अपने मालिक से कहती है, मालिक, मुझे कुछ और भी काम दे दीजिए, मुझे और पैसे कमाने हैं। पर तू क्या कर सकती है, ज्यादा मेहनत वाला काम तो तुझसे होगा नहीं। अगर मैं तुझे गोदाम में आटे की बोरियां उठाकर रखने को कहूँगा तो वो तो तुझसे हो नहीं पाएगा ना। मालिक, आप मुझे कुछ भी काम दीजिए, मैं वो काम कर लूँगी। नहीं, मुझे कुछ और सोचने दे। तभी सेठ की नज़र रंगों से भरे बैग पर पड़ती है। अच्छा सुन, ये जो रंगों से भरा बैग रखा है, अगर तू आज की आज इसे बेच आती है तो मैं तुझे रंग के आधे पैसे दे दूंगा। दुकान के मालिक की बात सुनकर रचना बहुत खुश हो जाती है और वो बैग लेकर रंग बेचने चली जाती है। रंग ले लो, रंग लाल पीले रंग ले लो, कितने प्यारे प्यारे रंग है। अरे भैया देखो, कितने प्यारे रंग है। इस तरह रचना बाजार में खड़ी होकर हर किसी आने जाने वाले व्यक्ति को रंग बेचने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कोई भी उसके रंग को नहीं खरीदता। ये देखकर रचना थोड़ी उदास हो जाती है, पर वो हार नहीं मानती, क्योंकि उसे ये सब अपनी बेटी के लिए करना था। वो फिर से रंग बेचने लग जाती है। तभी रचना का ध्यान कार में बैठी एक शीतल नाम की औरत पर जाता है। रचना उसके पास जाती है। मैडम जी, ये रंग ले लो ना, ये रंग बहुत ही अच्छे हैं। ये रंग आपके गालों पर बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा ठीक है, कितने का है ये रंग? सिर्फ 50 रुपए का है मैडम जी। और पूरा बैग कितने का है? शीतल की ये बात सुनकर रचना उसे हैरानी से देखने लगती है। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, मुझे पूरा बैग चाहिए। बताओ, इस पूरे बैग की क्या कीमत है? मैडम जी, इस पूरे बैग की कीमत 1000 रुपए है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बैग दे दो। रचना शीतल को वो बैग दे देती है। शीतल रचना को 2000 का नोट देती है। मैडम जी, मेरे पास खुले पैसे नहीं है, रुकिए मैं अभी अपने सेठ जी से 1000 रुपए खुले लेकर आती हूँ, सामने ही मेरे सेठ की दुकान है। इतना कहकर रचना बिना उस औरत से पैसे लिए सेठ जी से 1000 रुपए खुले लेने चली जाती है। और वो पैसे लेकर जब उस जगह लौटती है तो वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं होती है। ये देखकर रचना बहुत उदास हो जाती है कि कोई अमीर व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। रचना को अब लगता है कि उसका सेठ उसे काम से निकाल देगा, क्योंकि उसके हाथ सेठ का नुकसान हो गया था। रचना उस गाड़ी वाली औरत को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। उदास होकर रचना सेठ जी के पास जाती है। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मेरे हाथों आपका नुकसान हो गया। वो महिला रंग तो लेकर चली गई, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है,
उस महिला ने बोर्ड पर लिखे नंबर से ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी। उसने रंग के पैसों से ज्यादा पैसे दिए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनकर रचना बहुत खुश होती है। रचना उन पैसों से अपनी बेटी के लिए बहुत सारे रंग और पिचकारी लेती है और साथ में कुछ मिठाइयाँ भी खरीद कर घर ले जाती है। रंग और पिचकारी को देख कर रिया बहुत खुश होती है। फिर रचना और रिया खुशी खुशी होली का त्योहार साथ मिलकर मनाते हैं। एक बार की बात है, सुहाना नगर नाम के एक गांव में शीतल नाम की एक 10 साल की लड़की रहती थी। शीतल के परिवार में उसकी छोटी बहन सिमरन और पिता जगन्नाथ थे। अभी एक साल पहले ही शीतल की माँ अपने दोनों बच्चों को छोड़कर बगल में रहने वाले आदमी के साथ भाग गई थी। इसी गम में जगन्नाथ दारू पीना शुरू कर देता है। अब वो रोजाना दारू पीकर घर आता था। शीतल की छोटी बहन सिमरन केवल 4 साल की थी। जगन्नाथ को उनकी कोई फिक्र नहीं थी। वो मजदूरी करता था। मजदूरी करके वो जो भी कमाता सब शराब पीने में खत्म कर देता था। वो अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। एक दिन शीतल अपने पापा के पास आकर बोली, पापा बहुत भूख लगी है, घर में सारा राशन खत्म हो चुका है, आप इतना शराब क्यों पीते हैं? अगर कुछ पैसों का राशन ले आते तो हमें इस तरह भूखे नहीं सोना पड़ता। अगर इतनी ही परेशानी है तो तू भी अपनी माँ की तरह किसी के साथ भाग जा। आप पागल हो गए हैं क्या? किस तरह की बातें कर रहे हैं? कोई ऐसी बात करता है क्या अपनी बेटी के साथ? और नहीं तो क्या बोलूं? तेरी माँ तो भाग गई किसी के साथ, अब मैं कहाँ से खिलाऊं तुम दोनों को? मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए पैसे नहीं है। हमारे आस पड़ोस के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे स्कूल वालों ने तो मुझे स्कूल से बाहर कर दिया क्योंकि आप फीस जमा नहीं करवाते थे। बेचारी सिमरन, उसका क्या कसूर है? कम से कम उसे तो स्कूल भेज दिया कीजिए। अच्छा, अगर तुम दोनों स्कूल जाओगे तो घर का काम कौन करेगा? भूख लगी है तो पड़ोस वालों से कुछ मांग लो। जाओ यहाँ से, मेरा सर मत खाओ। कब तक इधर उधर से मांग कर खाते रहेंगे? लोग हमें गालियाँ देते हैं। देख, मुझसे ज्यादा जुबान मत चला और चले जाए यहाँ से। बेचारी शीतल रोते हुए वहाँ से चली गई। बेचारी 10 साल की बच्ची कर भी क्या सकती थी। वो अपनी बहन के पास चली गई। तब उसकी बहन ने कहा, दीदी कुछ करो ना, बहुत जोर से भूख लगी है। तू चिंता मत कर छोटी, मैं अभी पड़ोस वाली काकी से खाना मांग कर लाती हूँ। बेचारी शीतल मायूस सा मुंह लेकर बगल वाली काकी के पास गई और बोली, आंटी जी रात का कुछ खाना बचा हुआ है तो दे दो, सिमरन को बहुत भूख लगी है, मुझे भी लगी है, लेकिन घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तेरे बाप को तो दारू पीने से फुर्सत नहीं है, कब तक मेरे घर का खाना खाकर जियोगे? अब रोज रोज थोड़ी ना मैं तुम्हें खाना दे पाऊंगी। बहुत भूख लगी है आंटी जी, प्लीज दे दो ना। पड़ोसन को बेचारी शीतल पर दया आ गई और वो 4 रोटी निकाल कर उसके हाथ में देते हुए बोली, ये ले, रात को खाना तो नहीं बचा था, आज सुबह मैंने रोटियां बनाई थी, ये 4 रोटियां ले ले, 2 तू खा लेना और 2 अपनी बहन को खिला देना, और हाँ सुबह मैंने ये दाल बनाई थी, ये भी लेती जा। शीतल खाना पाकर बहुत खुश हुई और खाना लेकर घर चली गई। घर जाकर शीतल ने सिमरन को खाना दिया। ले सिमरन, पड़ोस वाली आंटी से मैं थोड़ा सा खाना मांग कर लाई हूँ, एक एक रोटी अभी खा लेते हैं और एक एक रोटी रात को खा लेंगे, बस इतने में हमारा पेट तो भर ही जाएगा। सिमरन भी खाना देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद दोनों बहनें एक एक रोटी खा लेती हैं और बाकी का खाना रात को खाने के लिए रख देती हैं। इसी तरह उनका गुजारा चल रहा था। कभी उनको इधर उधर से कुछ खाना मिल जाता तो कभी उनको भूखा ही सोना पड़ता था। जगन्नाथ भी रात को दारू पीकर देर से आता था और घर आते ही सो जाता था, जैसे उसको अपने बच्चों से कुछ मतलब ही ना हो। इसी तरह उनके दिन गुजर रहे थे। कुछ दिनों बाद होली आने वाली थी। सभी लोग होली की तैयारियों में लगे हुए थे। आस पड़ोस में बहुत चहल पहल थी। हर जगह होली की इतनी चहल पहल देखकर वो दोनों बहनें उदास हो जाती हैं। उनका भी होली मनाने का बहुत मन था, लेकिन वो ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इसके लिए पैसे ही नहीं थे। इसी तरह होली का त्योहार आता है। सभी बच्चों को होली खेलते देख सिमरन बहुत उदास हो जाती है और अपनी बहन से कहती है, दीदी आज हमारी मम्मी होती तो हम भी होली खेलते, इन सभी बच्चों की तरह हम भी खूब मस्ती करते, है ना दीदी? सिमरन की ये सारी बातें सुनने के बाद शीतल कहती है,
सिमरन, हमारी मम्मी पवन चाचा के साथ चली गई है, तू उन्हें याद मत किया कर। जाने से पहले उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इसी तरह घर के बाहर खड़े होकर वो दोनों बहनें सभी बच्चों को होली खेलते हुए देखने लगती हैं। तभी वो देखती हैं कि सामने से उनका पिता जगन्नाथ आ रहा है। शीतल और सिमरन भागते हुए अपने पापा के पास जाती हैं और शीतल कहती है, पापा आज सबके घर में पकवान बन रहे हैं और भी बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीजें बन रही हैं और सभी बच्चे इतनी अच्छी अच्छी पिचकारी से होली खेल रहे हैं। हमारे पास तो एक गुब्बारा तक नहीं है, हमें भी पैसे दीजिए ना, हम अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे और रंग भी खेलेंगे। हाँ पापा, मुझे भी पिचकारी और रंग चाहिए, मुझे भी होली खेलनी है। अपनी दोनों बच्चियों के चेहरे पर मायूसी देखकर उसे थोड़ी दया आ जाती है। वो अपने पॉकेट से 10 रुपए का नोट निकालता है और कहता है, ये लो मेरे जेब में 10 रुपए हैं, इस 10 रुपए का रंग ले आओ। सिर्फ 10 रुपए से क्या होगा पापा, इसमें तो हम ठीक से रंग भी नहीं ला पाएंगे और फिर मुझे अच्छी चीजें भी तो खानी है, जैसे कि गुजिया पकौड़ी। शीतल की ये बात सुनकर जगन्नाथ ने वो 10 रुपए का नोट भी अपने जेब में रख लिया और अपने दोस्तों के साथ शराब पीने चला गया और देर रात तक घर नहीं आया। दोनों बच्चियां देर रात तक इंतजार करती रहीं कि किसी के घर खाना बचे और वो उन्हें खाने के लिए दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज होली वाले दिन उनको भूखा ही सोना पड़ा। अगली सुबह पड़ोस वाली आंटी ने उन्हें खाने को रात का बचा हुआ कुछ खाना दे दिया। उसे खाकर दोनों बहनों को थोड़ी राहत मिली। उनकी ये होली अब तक की सबसे खराब होली गई थी। सिमरन बहुत उदास थी। क्या हुआ सिमरन, तू इतनी उदास क्यों है बहन? कल सभी लोगों ने होली खेली और अच्छे अच्छे पकवान खाए, पर हमने ना होली खेली और ना ही हमने अच्छी चीजें खाई, बल्कि कल तो हमें भूखा ही सोना पड़ा। तू चिंता क्यों करती है, देखना अगली बार की होली हम बहुत अच्छी मनाएंगे। मैं तेरे लिए पिचकारी लेकर आऊंगी, अच्छे अच्छे रंग लाऊंगी और तुझे बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीजें भी खिलाऊंगी। इसी तरह काफी समय बीत गया। एक दिन शीतल ने देखा कि उसके आंगन में कुछ गुलाब के फूल उगे हुए हैं। उन फूलों को देखकर शीतल बहुत खुश हुई। कितने प्यारे फूल हैं, इतने अच्छे गुलाब तो मैंने बाजारों में बिकते हुए देखे हैं। वैसे बिकने से याद आया, मैं इन फूलों को भी तो बेच सकती हूँ, लेकिन ये तो 5-6 फूल ही हैं, इतने में क्या होगा, आज रात के खाने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। खुद से ही ये बातें करके शीतल ने उन सभी फूलों को तोड़ लिया और सिमरन के साथ उन फूलों को बेचने के लिए बाजार चली गई। वहाँ पर एक लड़की ने उन दोनों को फूल बेचते हुए देखा और उनके पास आकर बोली, ये फूल कितने रुपए के दे रही हो? ज्यादा नहीं, बस 10 रुपए का एक फूल। अच्छा तो तुम्हारे पास 5 फूल हैं, एक काम करो मुझे 5 फूल दे दो। शीतल बहुत खुश होती है और उस लड़की को 5 फूल दे देती है और बदले में उससे 50 रुपए ले लेती है। 50 रुपए लेकर सिमरन और शीतल दोनों ही बहुत खुश होते हैं। वो लड़की देखती है कि सिमरन और शीतल पैसे लेकर सीधा खाने के ढाबे पर गए। ये देखकर वो लड़की उनके पास जाती है और कहती है, तुम दोनों इसी तरह फूल बेचती हो क्या? नहीं, हम पहली बार फूल बेचने आए हैं। मेरे आंगन में ही गुलाब के फूल उगे थे तो मैंने सोचा कि इन्हें बेच देती हूँ, फिर हमें खाने के लिए खाना मिल जाएगा। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है क्या? पापा है, लेकिन उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत दारू पीते हैं और मम्मी तो बगल वाले पवन चाचा के साथ भाग गई, इसलिए हम लोग स्कूल भी नहीं जा पाते और 2 वक्त का खाना भी हमें बहुत मुश्किल से मिलता है, बगल वाली आंटी हमें बचा कुचा खाना दे देती है। शीतल की आप बीती सुनकर उस लड़की को बहुत अफसोस होता है, उसकी आंखें नम हो जाती है। वो कहती है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ के पास वाले सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं टीचर हूँ। कल तुम दोनों मेरे साथ वहाँ चलना, मैं तुम्हारा उस स्कूल में दाखिला करवा दूँगी, वहाँ तुम्हें किताब ड्रेस और खाना सब कुछ मुफ्त मिलेगा। क्या सच में? हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पापा भी घर पर हैं? हाँ अभी तो वो घर पर ही सो रहे हैं। चलो इस बारे में मैं तुम्हारे पापा से भी बात करती हूँ। ऐसा कहकर वो लड़की शीतल और सिमरन के साथ उसके घर जाती है। पापा देखो, ये दीदी आपसे मिलने आई है। जी नमस्ते मैडम, क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते? मैं आपके घर के पास वाले सरकारी स्कूल की टीचर हूँ। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं तो इनका सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए।
नहीं तो ये बच्चे मेहनत मजदूरी करके ही अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो समाज में इनके साथ साथ आपकी भी इज्जत बढ़ेगी। आप सही कह रही हैं। मैं शराब के नशे में अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। जब से रेशमा गई है मैंने इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज आपने मेरी आँखें खोल दी। अब मैं इन्हें स्कूल जरूर भेजूँगा। अपने पापा की बात सुनकर शीतल और सिमरन बहुत खुश हुए। अगले दिन शीतल और सिमरन स्कूल गए। उस लड़की ने उनका एडमिशन करवा दिया। तब से वो रोजाना स्कूल जाने लगे। इसी तरह एक साल बीत गया और फिर से होली का त्योहार आ गया। सिमरन ने अपनी बहन शीतल से कहा, दीदी फिर से होली का त्योहार आने वाला है, इस बार हम मस्ती करेंगे ना? हाँ मेरी बहन, बहुत मस्ती करेंगे। देखना, पापा हमारे लिए बहुत सारी चीजें लाएंगे। जैसा शीतल ने कहा था वैसा ही हुआ। उनके पिता जगन्नाथ बहुत सारी चीजें लेकर आए। दोनों बच्चों ने खूब खुशी से होली मनाई। ये होली उनकी सबसे बेस्ट थी। इसी तरह पढ़ लिख कर वो दोनों बहनें बहुत बड़ी अफसर बन गईं। उनके साथ साथ समाज में जगन्नाथ का भी खूब नाम हुआ। जगन्नाथ को अपनी दोनों बेटियों पर गर्व था। फिर से एक बार होली का त्योहार आया। उस दिन शीतल अपने घर में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी। सिमरन ये सब देखकर बोली, दीदी आपने इतने सारे पकवान क्यों बनाए हैं? जब हम छोटे थे तो हम इन चीजों के लिए कितना तरसते थे, इसलिए आज मैंने हमारे जैसे ही गरीब बच्चों के लिए इतने सारे पकवान बनाए हैं। चल तू भी मेरी मदद कर, हम ये हमारे गाँव के गरीब बच्चों में बांट देंगे। सिमरन बहुत खुश होती है। फिर दोनों बहनें मिलकर सारे पकवान गरीब बच्चों में बांट देती हैं। ऐसा करके उन्हें बहुत खुशी मिलती है। इस तरह अब वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करते हैं।